हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद को कृष्ण ने प्रश्न किया है, जगत में यद्यपि बहुत सारी कर्तव्य है, जगत में बहुत सारी कर्तव्य है, लेकिन जीव का क्या है? जगत में सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है जीव का? इसका उत्तर में श्री प्रभुपाद कहते हैं, सुना कि नहीं, सबसे बहुत सारे कर्तव्य में सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रीमन महाप्रभु उपदेश बा शिक्षा निज जीवने आचरण पूर्वकारी आमदर यहाँ पर कह रहे हैं, इतना हमारी कर्तव्य है, कभी जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, महाप्रभु ने जो हमें शिक्षा प्रदान किया है उसको अपना जीवन में सबसे पहले उस चीज को उतारो। तो महाप्रभु का क्या शिक्षा है, महाप्रभु का क्या शिक्षा है? महाप्रभु का बहुत सारी शिक्षा है, हैं बहुत सारी शिक्षा, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है महाप्रभु ने अपना शिक्षाष्टक में है, तो महाप्रभु तो चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी शिक्षा दिया है, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है महाप्रभु आठ जो श्लोक बनाया कभी, ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, भव महादावाग्नि निर्वाप कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्यामृतास्वादनम सर्वात्म स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण जो कीर्तन है ये सर्वतम रूप में इसकी जय जयकार हो, हरि नाम कीर्तन करने से क्या होगा, चैतन्य रूप दर्पण का परिमार्जन होगा, हैं संसार का जितने दुख कष्ट है भव महादावाग्नि निर्वापनम, चिरकाल के लिए संसार का सारे दुख कष्ट समाप्ति हो जाएगा, और श्रेय रूपी कैरव चंद्रिका वितरण, भगवान का नाम क्या है, चंद्रमा का जैसे किरण है, किरण पड़ने पर जैसे कुमुदिनी फूल खिल जाती है, जब हम हृदय में कृष्ण नाम रूपी जो किरण पड़ेगा हमारे हृदय रूपी कुमुदिनी खिल जाएगा, विद्या रूपी जो वधु है इसका जीवन स्वरूप क्या है, भगवान का नाम है, मतलब है विद्या पढ़े के ना कृष्ण भक्ति जाएगा। कथा विद्या क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसलिए कहते ना सा विद्या तंजन मंदिर जया, वही विद्या है, हैं जिस विद्या को द्वारा भगवान को प्राप्त हो सकता है, इसलिए विद मतलब हो जाए जानना, बोले किसको जानना, बोले भगवान को जानना, इसलिए महाप्रभु कहते हैं विद्या पढ़े के ना, जब केशव काश्मीर को महाप्रभु ने परास्त किया, केशव काश्मीर को परास्त किया, बहुत बड़े विद्वान थे, माँ सरस्वती का वरदान था, पृथ्वी में तुमको कोई भी परास्त नहीं कर सकते, सारा दुनिया परास्त करते करते आया, लेकिन महाप्रभु के पास में आकर के महाप्रभु बात बात में उसको परास्त कर दिया, उन्होंने बोले भैया अगर किसी विद्वान से अगर परास्त होता फिर कोई बात रहता, छोटा बच्चे को सामने जो केवल व्याकरण पढ़ता है, अलंकार शास्त्र जिसको ज्ञान है ही नहीं, उसको सामने फैल कैसे हो गया, इसलिए बड़ा दुखी हो गया, रात को सरस्वती मंत्र जप करते करते सो गया, लगता है माल सरस्वती के साथ मेरे ऊपर नाराज है, सरस्वती का साक्षात सरस्वती दर्शन दिए, सरस्वती दर्शन दी, बोले बेटा आज तुम्हारी विद्या पढ़ने का सफल हो गया है, देखो सरस्वती क्या कहती है, बड़ी अच्छी बात बताती, कहते मैं जिसको ऊपर मैं कृपा करती हूँ विद्या का जो फल है भगवत दर्शन उसको भगवान तक पहुँच देता हूँ, और जिसको ऊपर मैं कृपा नहीं करती हूँ कहते संसार का एक गधा बना देती, जगत का डिग्री पा करके एम ए पी एच डॉक्टर इंजीनियर बना देता हूँ,
मंदिर करते क्या बताते हैं, सवेर से लेकर शाम तक कैसे पैसा उपार्जन करेंगे, उसको जरा बीवी बच्चों कैसे लालन पालन करेंगे, बस सवेरे उठते ही नमक हल्दी तेल है कि नहीं, और सो करके उठ करके सोने तक बोले दिमाग में वही नमक हल्दी सब्जी में ही घूम जाती है दिमाग उसमें ही। इसलिए सरस्वती कहती हैं जिसको पर मैं कृपा नहीं करती हूँ उसको संसार का एक गधा बना देती हूँ। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं सही विद्यार बिला से काटा इनवामी परम साहस आमी। तो क्या भजन है यार, कहते तो मैंने विद्या की विद्यार बिला से काटा इन कहा, हमने जो विद्या पढ़ते समय बड़ा विद्या के अभिमान में सारा समय उसमें बिता दिया है। इसलिए विद्या से अविद्या भेला, कहते जो विद्या है ना वो अविद्या बन गया। कहते सही काधा होए संसार रे बोझा बहिनु अनक काल, संसार में विद्या ने किया किया मेरे को एक गधा बना दिया। गधे क्यों उदाहरण देता है, गधे को पीठ ऊपर में देखना पहाड़ अंचल में दाल चावल चीनी सब्जी सब लद करके ले जाते हैं गधे को ऊपर, लेकिन खिलाते हैं क्या घास, वो घास खाएगा फिर पीठ में क्या ले जाएगा भारी सामान वजन सारे माल ले जाएगा दिन भर ढोएगा। माला माली कभी बोलता नहीं चीनी लेकर गया एक गिलास शरबत पी नहीं बोलता, ले आएगा घी पी चावल खावल, कभी माली चावल बनाकर नहीं खिलाता तो एक पराठा भी नहीं खिलाता, वो खाता है कहा क्या खाता है सूखा घास, वो घास ही खाता है, लेकिन दिन भर पीठ गोबर में सारे बोझ को ढोता है, एक खाता है क्या घास। कहते हम भी संसार में देखो दिन भर परिश्रम करते हैं, हमारे गुरु जी बोल रहे थे एक व्यक्ति जो कमला लेम्बू है ना होता है ना संतरा, हाँ हाँ। संतरा खरीद करके ले जा रहा जाते समय रास्ता में एक खा कर जा रहा, एक व्यक्ति ने पूछा भैया तो रास्ता में खा के दिन जा रहे हो, बोले देखो अभी हम घर में जाने पर ना बंटवारा हो बंटवारा हो अभी मेरे हाथी में सब एक पीस पड़ेगा, लेकिन जो नाती पोती आ गए ना जो एक पीस मेरे पिज्जा भी बढ़ेगा उसको भी खा लेंगे, पता है घर में जाकर खा नहीं पाऊंगा इसलिए रास्ता में एक संतरा खा लेता हूँ। इसलिए सारे संसार का परिश्रम करते हैं, अब देखते करते हैं लेकिन फल क्या मिलता है, सब जो खा लेते हैं तब खाते हैं अगर बच गया तो सारी चीज़ वो खाते हैं, लेकिन परिश्रम पूरा का पूरा सभी परिश्रम करेंगे, लेकिन इसलिए कहते हम सही संसार बोझा बहिन करी परिश्रम कार लागे तो करी नागो चले ब्रह्म ठाकुर जो बात कह रहे ना कहते गर्दवर मत हमी करी गाधार मत मैंने परिश्रम करते बोले कार लागे तो करी नागो चले ब्रह्म, किसके लिए कर रहे हो कर रहे किस लिए तुम किसके लिए कर रहे हो तुम, जिसको सब कुछ समझते हो समय आते ही अपना अपना सब चले जाएंगे, कोई साथ में जाने वाले नहीं, अकेले आया और अकेले जाओगे, साथ में कोई जाने वाले नहीं, धर्मशाला है जैसे धर्मशाला में इकट्ठे होते रात को बैठ कर कहाँ से आए हो कलकत्ता, बोले तुम बम्बे बोले तुम मद्रास, सवेरे होते ही गए, ये संसार एक धर्मशाला का ही परिचय और कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी हो तुम्हारे बच्चे हो तुम्हारी भाई हो ये गप्पे मार रहे और कुछ नहीं, समझ आएगा साहब चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कार लागी एक तो करी नागू जी लग रहा किसके लिए तुम किया किसके लिए तुम किया हो किसके लिए कर रहे हो तुम जगत में, इसलिए कहते हैं इसलिए गर्द है मतलब आमी करी परिश्रम भक्तिमन ठाकुर कहते हैं। इसलिए ए देह पता न हो ले किरबे अमार के सुख नाही दीवे पुत्र परिवार, भगवान ठाकुर कहते हैं ए देह पतन हाल किरबे अमार, जब ये शरीर तुम्हारी चली जाएगा के सुख नाही दीवे पुत्र परिवार, जगत में कोई साथ में जाने वाले नहीं, कोई दरबार तक जाएगी पत्नी परिवार शमशान तक बस वहीं पर जला कर टाटा करके चली जाएगी, बोले केह सुख नाही दीवे पुत्र परिवार, जगत में कोई सुख हमें देने वाले नहीं है, कोई सुख देने वाले नहीं। इसलिए सरस्वती स्वयं कहती है अरे दो तरह की कृपा है,
जिसको मैं सही सही कृपा करती हूँ उसको प्रभु तक पहुँचा देती हूँ, और जिसको पर सही कृपा नहीं करता हूँ संसार का एक खत्म। दिन भर परिश्रम करते करते स्वार्थ जीवन खत्म, स्वार्थ अंतिम समय बोलो सब खत्म। इसलिए सरस्वती कहती है देखो आज तुम्हारे पर मैंने सही कृपा किया है, जिसको साथ में तुमने मिला है ना मेरे प्रभु, वो गौरव नारायण है, वो मेरे प्रभु है। बेटा तुम्हारी धन्य हो गया पढ़ाई, जाओ उसको चरण में जाओ, फिर महाप्रभु के पास में। जब महाप्रभु के पास में आए फिर महाप्रभु ने क्या बोले, बोले विद्या पढ़े के ना, बोले क्यों पढ़ाई कर रहे हो, बोले कृष्ण भक्ति जान रहा है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को जान रहे हैं। सजदी न लो तो विद्या की करे, अगर तुमने लिखा पढ़ा सीख करके भगवान की भक्ति नहीं किया वो विद्या कौन सा काम की है। कहते अयोध्या छाड़िया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगा विद्या वा पौरुष संदेह किछु नहीं चले, शरीर छूटते ही जितने डिग्री बिग्री सब ये रह जाएगी।